होल्ड डाउन। जैसे आप गेट से बाहर निकलोगे तो यहाँ पे बहुत सारी बाइकें खड़ी हुई हैं लाइन में, यू नो, टाइगर, बेनेली भी। तो सेकेंड हैंड जो बाइकें हैं तो वो भी आप परचेज कर सकते हो यहाँ से, और कल भी हमारे यहाँ पे मिलेंगे तो आप लोगों को बताएंगे वो कितने में कौन सी बाइक पड़ती है। तो वीडियो की स्टार्टिंग कुछ ऐसे करते हैं अब की बात, और दिखाता हूँ आप लोगों को कि मैंने क्या मंगाया है अमेजोन से। ये चिप मैंने परचेज़ करी है गोप्रो के लिए, 10 क्लास है, तो 64 GB में। तो ऐसे ही मैं 64 GB की छोटे वाली और जो बड़ी चिप होती है जो कैनन में डलती है, तो वो मैं बहुत सारी परचेज़ करने वाला हूँ, क्योंकि 7-8 दिन की मेरे को मेमोरी स्टोर करनी पड़ती है। तो डे बाय डे मैं इनको यूज़ करूँगा, क्योंकि लैपटॉप मैं कैरी नहीं कर सकता। तो ब्लॉगर लाइक चलती रहेगी, मैं आप लोगों के चलता हूँ नई जगह जिसके लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो मैं आ चुका हूँ कावासाकी के शोरूम में, और मैं बाइक की टेस्ट ड्राइव करने वाला हूँ, दिस वन बाइक। तो लेट्स स्टार्ट इट। बाइक यार बहुत पावर फील हो रही है। आई मीन मैं 400 cc की बाइक चलाता हूँ, तो एकदम से 650 cc की बाइक पे, और विद इन 2 या 3 सेकंड में बाइक 100 क्रॉस कर जाएगी जो मैं इसको फुल थ्रोटल करके भगाऊंगा बाइक को। तो मैं आया था 1000 बाइक के लिए, बट ये उससे नीचे वाला मॉडल है बाइक का, और मतलब आए हैं तो इसको ट्राई करके देखते हैं। रोड तो कहीं पे है नहीं बाइक को भगाने के लिए, बट बाइक के अंदर बहुत सी पावर है जो कि मेरे को अभी भीड़ भाड़ में दिख नहीं रही है। तो हल्का सा तो मैं थ्रोटल करता हूँ, मतलब कि 100% होता है उसका 2% भी थ्रोटल करता हूँ तो बाइक एकदम से बूम कर रही है। कावासाकी बाइक जो है, जिस टाइप से वो बिल्ड करती है अपनी बाइक को, वो बहुत ही अच्छा और बेहतरीन डिज़ाइन होता है। मैं पहले ये बाइक लेने के लिए जा रहा था, तो फाइनली 1000 जो इसी का एक अगला मॉडल है, तो वो भी एक काफ़ी अच्छा मॉडल मार्केट में निकला है। 1200 cc में जो बाइक आती है सब उन्हीं बाइकों को वो टक्कर दे रही है, और बाइक को जो जला लेगा, तो मैं लिख के देता हूँ बॉस, आप 1000 या फिर 650 ही लोगे। तो वेरी ऑसम बाइक, इसका जो इसका कलर होता है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है कलर। और बाइक की जो हाइट है, मैं 6 फुट का हूँ तो मेरे पूरे पैर आ रहे हैं इस बाइक पे। वेरी पावरफुल बाइक, और टॉर्क तो बहुत ही ज़्यादा है बाइक के अंदर, मतलब कि मैं हल्का सा भी क्लच को ही छोड़ता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा बाइक भागती है। गियर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है बाइक के, जैसा कि हर बाइक में कट कट की आवाज़ आती है, तो वैसा कुछ नहीं है। आप इजीली भीड़ भाड़ में भी गियर को आराम से लगा सकते हो। 1000 बाइक मेरे को मिली नहीं यहाँ पे कि मैं उसको रिव्यू कर पाता, आप लोगों को दिखा पाता, और वो कल ही जो लास्ट पीस था वो निकल चुका है। हमारे जो अमित भाई है बंगाल ब्लॉक से, उन्होंने उस बाइक को ले लिया है, तो
मैं टाइम पे आता तो मैं कर पाता, बट मेरे पास उस टाइम पे टाइम नहीं था, मैं नहीं आ पाया। बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी बाइक है, बाइक के अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं है किसी भी टाइप की। आप बाइक को जैसे थ्रोटल करते हो तो कोई भी वाइब्रेशन नहीं है बाइक के अंदर, और बाइक के अंदर जो चीज़ें की हुई हैं, 3 ट्रिप मीटर दिए हुए हैं, हमें टाइम दिखता है, हमारा जो गियर इंडिकेशन है वो उसमें दिखता है, फ्यूल कैपेसिटी काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया हुआ है, नीचे दिखाया हुआ है, और जो हमारी जो बीच में स्पीड है वो सब यहाँ पे हमें दिखेगी। और ABS काम नहीं करेगा तो उसमें लाइट जल जाएगी, इंजन में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें लाइट का निशान आ जाएगा। तो इंडिकेटर के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ दी गई है कि इंडिकेटर जब हम कहीं पर बाइक को राइड पे लेके चल रहे हैं, हाईवे पे चल रहे हैं, तो हम इसको इंडिकेटर को प्रेस करेंगे तो हमारे चारों इंडिकेटर एक साथ में ब्लिंक करेंगे। और मीटर में इसके अलावा बाइक के अंदर मैं कहूँगा कि ऐसा कोई ख़ास फीचर्स नहीं है कि इसमें TFT स्क्रीन होती तो काफ़ी अच्छा होता, बट ऐसा और कोई सिस्टम नहीं है कि आप इससे अपना हेलमेट वगैरह कनेक्ट कर सकते हो या और कोई चीज़ इसमें ऑफ रोडिंग मोड वगैरह ऐसी कोई चीज़ हो। इनकेस फ्यूचर में कभी इस बाइक में हमें देखने को मिले जो अपग्रेडेशन होने वाली है आगे, तो हो सकता है वो मिलेगा, और ऐसा सोचना भी है, और ऐसा 101% हो सकता है, क्योंकि जो अभी बेनेली ने अभी बाइक निकाली है वो वैल्यू फॉर मनी है, उसके अंदर सब चीज़ इनबिल्ट दी गई है और वो इसी के अराउंड आपको बाइक पड़ेगी। तो कावासाकी भी मतलब कि इस चीज़ को बिल्ड करेगा ही करेगा, और आने वाले टाइम में तो ये सब चीज़ें इसमें ऐड होने ही वाली है। रोक के मैं एक बार बाइक की आपको ऑल ओवर व्यू दिखा देता हूँ कि बाइक कैसी दिखती है। तो ये बाइक का एक व्यू है कि कैसी एक बाइक दिख रही है हमें, और ट्विन सिलेंडर हमारी बाइक है, लाइट हमारी जलती रहती है, इंडिकेटर हमारे चारों काम कर रहे हैं बाइक के अंदर, और जो सस्पेंशन है काफ़ी अच्छे से इन्हांस किया गया है, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अभी बाइक के अंदर एग्जॉस्ट चेंज है जो इसके साथ में आता है वो नहीं लगा हुआ है। जितने भी बंदे कावासाकी की बाइक लेते हैं तो ये भाई हमारे हैं जो हमेशा हर ब्लॉग में आप लोगों को मिलेंगे। तो भाई मुझे ये बताओ कि मेरे को वर्सेस जो 1000 है वो परचेज करनी है, तो मेरे को कब तक अवेलेबल होगी कि मैं उसको आने के बाद यहाँ पे देखने के लिए आ सकूँ, और मैं कैसे क्या उसके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, और क्या बाइक क्या मतलब क्या प्राइस में मेरे को बाइक पड़ेगी? भाई अभी हमारे पास 3 बाइक्स आई थी जो कि जा चुकी हैं, बिक चुकी हैं। लास्ट बाइक अभी रिसेंटली सबको पता ही है कौन ले गए। हाँ जी, अमित जी ले गए, अमित बघेल भाई ले गए। वो अभी क्या है, हरियाणा में पहली बाइक उनकी गई है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, उनकी ब्लॉग में भी बताना भूल गया। ओके, और दूसरी आपकी जाएगी? दूसरी सोनीपत में हमारी जाएगी, और भाई की गई है वो गुड़गांव में गई है। हाँ, सोनीपत में पहली इनकी जाएगी। बिल्कुल जी, तो जल्दी करते हैं, कोशिश करते हैं कि 1.5 हफ्ते तक भैया को बाइक दिलवाएं। बिल्कुल, चलाने के लिए भी देख लेंगे उनकी, अगर ये बाइक 100% परचेज कर रहे होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, वीडियो में बोल रहा हूँ आपको, चलवा भी देंगे गाड़ी, इनको गाड़ी चलवाएंगे, और ना पसंद आए ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो मैंने बताया है कि बाइक काफ़ी अच्छी है, मैं वीडियोस भी काफ़ी ज़्यादा देखी बाइक की। 650 चला के देखी ली, 650 भी मैंने चला के अभी देख लिया, डबल पावर बाइक में डबल सिलेंडर भी। इस वीडियो में आपने 650 जो बाइक है हमारी वर्सेस उसका एक लुक, एक राइड हमने करी है, तो वो आपने देख ली है कैसी बाइक है। और तो भाई इसके बारे में जो 1000 बाइक है, तो इसके बारे में प्राइस वगैरह के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमें बताओगी क्या हमें पड़ेगी ऑन रोड? अच्छा, तो वो 12,16,000 रुपये इसका प्राइस है ऑन रोड। ओके, दिल्ली ऑन रोड 12,16,000 रुपये दे सकते हो? हाँ, मैं लिख के दूंगा आपको सारा कुछ अभी। ओके, और ये इंक्लूडिंग सबके, हर चीज़ इसके अंदर इंक्लूडेड है। ओके, RTO इंश्योरेंस इसमें कितने साल करेगा? जो अभी गवर्नमेंट का प्राइजेस कुछ इंक्रीज भी हुए हैं, माइनर प्राइजेस इंक्रीज हुए हैं, वो आपके लिए देख लेंगे जो भी इंक्रीज हुए क्या हुआ, अभी अपडेट नहीं करा हमने प्राइजेस, बट ये पुराने प्राइजेस मैं आपको बता रहा हूँ कि लास्ट मंथ 30% जी। तो थोड़ा सा आप हमें उस पर लिख के बता सकते हो कि इतने की बाइक, तो आओ एक बार पूरा नोट डाउन करते हैं। तो जो अभी आप इसमें देख रहे हो, तो इसमें सभी बाइकों का यहाँ पे नेम लिखा हुआ है और उनका एक्सोरूम प्राइस क्या है, और इंश्योरेंस और उसमें रोड टैक्स वगैरह मिलके टोटल प्राइस में आपको बाइक क्या पड़ेगी विदार सी ऑन रोड आपको। तो जो अभी हमने देखी है तो उसके ऊपर फोकस करते हैं वर्सेस 1000, इसका मेरे को पड़ेगी 12,36,000 की, 12.5 लाख के आसपास मेरे को बाइक पड़ेगी। प्लीज़ होल्ड डाउन, जैसे आप गेट से बाहर निकलोगे तो यहाँ पे बहुत सारी बाइकें खड़ी हुई हैं लाइन में, यू नो टाइगर,
बेनेली भी, तो सेकेंड हैंड जो बाइकें हैं तो वो भी आप परचेज कर सकते हो यहाँ से। और करंटली हमारे यहाँ पे मिलेंगे तो आप लोगों को बताएंगे वो कितने में कौन सी बाइक पड़ती है। तो एक बार अंदर चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी बाइक है, और आप लेना चाह रहे हो मन बना रहे हो तो सेकेंड हैंड बाइक भी यहाँ पे मिलती है, काफ़ी अच्छे रेट पे मिलती है। और बाइक टिच एंड टॉप